आज की रेसिपी जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ बिना तेल के, इसमें तेल का बूंद भी नहीं लगा है, बिल्कुल जालीदार ये नाश्ता बनकर तैयार होता है और बनाना बिल्कुल आसान है। फटाफट ये बनकर तैयार हो जाता है। सुबह सुबह अगर आपको नाश्ता बनाने के लिए जल्दी हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और कितना जालीदार बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके साथ खाने के लिए पहले चटनी बना ले रही हूँ। 1/4 कप सूखे नारियल का बुरादा डाली हूँ। आप चाहें तो ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं, जो समय से उपलब्ध हो वही ले लें। 1/4 कप भुनी हुई मूँगफली और 2 चम्मच नींबू का रस डाली हूँ। 2 चम्मच इसमें मैं दही डाल दे रही हूँ। अगर आप नींबू का रस न इस्तेमाल करें तो 4 चम्मच दही डाल सकते हैं। और 1 हरी मिर्च डाल दी हूँ। दही से अच्छा टेस्ट आता है, एकदम क्रीमी चटनी बनती है। 5-6 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक 1/2 इंची डाली हूँ। 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक डाल दी हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी 3-4 चम्मच पानी डालकर इसे पीस लेंगे। जब चटनी महीन हो जाएगी तो इसमें 1/2 कप पानी और डाल देंगे। तो ये देखिए चटनी मैं पीस ली हूँ, इसमें पानी भी डाल दी हूँ। पहले ही पानी ज़्यादा डाल देंगे तो चटनी महीन नहीं होती है, इसलिए पहले थोड़ा पानी डालकर महीन कर लें, फिर और पानी डालें। जैसे गाढ़ी पतली चटनी आपको पसंद हो उस हिसाब से बना सकते हैं। तो 1 बर्तन में निकाल दी हूँ, थोड़ा सा पानी डालूँगी क्योंकि काफ़ी चटनी अभी जार में लगी हुई है, और मिला देंगे। इसमें हम तड़का भी लगाएंगे। आपको जो चटनी पसंद हो वही बना सकते हैं, या जिस चटनी के समान समय से उपलब्ध हो जो आपको अच्छा लगे वही बना लें। अब 1 मिक्सी के जार में मैं सूजी डाल दे रही हूँ। 1.5 कप सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन सामान एक ही बर्तन से लेंगे तो बढ़िया बनेगा। 1 चम्मच भर के चीनी डाली हूँ और 1 छोटा चम्मच नमक। नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसको हम आटा बना लिए महीन पीस लेंगे ना तो बढ़िया नाश्ता बनेगा। इसमें चीनी भी पिस जाती है, नमक अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। अब उसी कप से 1/2 कप दही डाल दे रही हूँ और 1 कप भर के पानी डालूँगी। जिसमें मैं दही सूजी ली थी उसी कप से 1 कप पानी डाल दे रही हूँ। महीन बैटर तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारा सूजी का बैटर हो गया है तैयार। 1 बर्तन में इसे मैं निकाल दे रही हूँ। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनता है, ज़्यादा सामान नहीं लगता है ना, तो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। सारा बैटर मैं निकाल दी हूँ बर्तन में। इसे 4-5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दे रही हूँ। तब तक चटनी में तड़का लगाएंगे। तेल गरम करी हूँ, 2 छोटे चम्मच तेल है। जब तेल गरम हो जाए तो 1/2 चम्मच जीरा 1/2 चम्मच सरसों डाल दें। जब पक जाए तब इसमें लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। फिर से थोड़ा पका ले रही हूँ। थोड़ा सा जब टेम्परेचर कम हो जाए तब 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, इससे चटनी में कलर बढ़िया आ जाता है। तो मैं इसको डाल दे रही हूँ, हल्का सा मिला दे रही हूँ। तड़का लगाने से चटनी बढ़िया लगती है, तो इसे अलग रख दे रही हूँ। और हमारा बैटर रेस्ट कर लिया है, लगभग 4 से 5 मिनट हो चुका है। ज़्यादा देर तक इसे नहीं रखना है। अगर इस वक्त ये गाढ़ा लगे तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं, वैसे बैटर ठीक है। डालना चाहे तो ऐसे 1-2 चम्मच पानी डालकर मिला सकते हैं। तो जो मैं 2 चम्मच पानी डाली हूँ इसे मिला ले रही हूँ। अगर आप एक ही बर्तन से पूरी रेसिपी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.5 कप सूजी और 1/2 कप दही, 1 कप पानी डालेंगे तो बढ़िया बनेगी रेसिपी। बैटर ठीक है। और इसमें जब बनाना हो उस वक्त इनो डाल दें 1 चम्मच, 5 ग्राम है इसमें, 1 चम्मच आता है। आप चाहें तो खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं 1/2 चम्मच। 1 चम्मच पानी डालकर इसे मिला लेंगे। जो बेकिंग सोडा होता है ना उसे बहुत थोड़ा डालें, अपने चुटकी से 2 से 3 चुटकी डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। बढ़िया से मिलाकर एकदम इसमें झाग हो जाता है, बैटर बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है इनो डालने से। दोनों में से एक ही डालें, या तो खाने वाला मीठा सोडा डालें जिसे बेकिंग सोडा बोलते हैं, या तो इनो डाल दें। अब गैस पर मैं एक पैन रखी हूँ,
इसमें तेल घी बटर कुछ नहीं लगाना है, बस एक कलछुल भर के इसे डाल दे रही हूँ। जितना बड़ा छोटा मोटा पतला आपको बनाना हो उस हिसाब से बैटर डाल दें। इसे फैलाना नहीं पड़ता है, अपने आप शेप ले लेता है। देखिए कैसे जाली पड़ रही है, इनो डालने से इतना बढ़िया जाली पड़ रही है। अगर आप मीठा सोडा डालेंगे उससे भी बढ़िया जाली पड़ती है। जब नीचे से थोड़ा पक जाता है तो अपने आप छोड़ देता है, गोल्डन कलर आ जाता है, ये देखिए। और इसमें कितनी बेहतरीन जाली पड़ी हुई है, पहले नीचे से दिखा दे रही हूँ कितना बढ़िया गोल्डन कलर आया है। अब इसकी जाली देखिए, ये देखिए। और बैटर भी सूख गया है, ऊपर का बैटर अच्छे तरीके से सूख जाए तभी इसे उतारें, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इसे निकाल ले रही हूँ, इसमें तेल घी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से मैं एक कलछुल भर के डाल दे रही हूँ, एक बार और दिखा रही हूँ आपको। बैटर बहुत गाढ़ा रहेगा तब आपको फैलाना पड़ेगा चम्मच से। इसे धीमी आंच पर पकने देंगे, लो मीडियम फ्लेम रहे, अच्छे तरीके से इसमें जाली पड़ती है। ये देखिए कैसे बुलबुले आ रहे हैं, अभी इसे टच नहीं करना है। अब बैटर सूख गया, थोड़ा थोड़ा सा बीच में रह गया है और बहुत ही बेहतरीन जाली पड़ी हुई है, नीचे से छोड़ भी दिया है। नॉन स्टिक बर्तन में बनाएंगे तब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर आप लोहे के बर्तन में बनाएं, जैसे डेली रोटी बनाते हैं उसमें तेल लगा लेंगे बढ़िया से, तब उस पर भी छोड़ देगा, चिपकता है थोड़ा। अब सेम तरीके से सारा सूजी का डोसा मैं बनाकर तैयार कर ले रही हूँ। इसे अप्पम भी बोलते हैं, डोसा भी बोलते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, चीनी के हल्का सा मिठास आता है। और इसमें भी बढ़िया जाली पड़ रही है, आप देख पा रहे होंगे। अगर यह वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ जाए तो अपने फैमिली और मित्रों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बढ़िया जाली पड़ी है, इसे भी मैं निकाल ली हूँ। सेम तरीके से सारा डोसा बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों, अभी तक सब्सक्राइब न किए हों, तो प्लीज़ मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। देखिए कितना बेहतरीन जाली पड़ी है, कमाल का नाश्ता है, बिल्कुल मलाई की तरह सॉफ्ट होता है। एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करें, अगर एक बार बना लेंगे ना तो हफ्ते में 3-4 बार ज़रूर बनाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होता है। चटनी अपनी मनपसंद बनाएं, जो चटनी आपको पसंद हो, एकदम सॉफ्ट है, ये देखिए। इसे आप बच्चों को टिफ़िन में देंगे ना तो बड़े प्यार से खा कर आएंगे, डेली ले जाने के लिए बोलेंगे। ये देखिए एकदम ब्रेड की तरह होता है, कमाल का नाश्ता। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ऐसे मोड़ कर बच्चों को टिफ़िन में रख देंगे ना, कोई भी चटनी जो बच्चे पसंद करते होंगे तो उसके साथ बड़े प्यार से खा कर आएंगे। तो इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।